अल्लाह तबारक वताला ने कुरान करीम में सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाया, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बिह। अल्लाह तबारक वताला एक आदमी के दिल को इस्लाम के लिए खोल देता है, उसके दिल के अंदर इस्लाम को कबूल करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, इस्लाम को कबूल करने का जज्बा पैदा हो जाता है। जिस आदमी के दिल का ये आलम हो जाए, फहुआ अला नूर मिन रब्बिही, वह आदमी अपने रब की तरफ से रोशनी में होता है, वो अपने रब की तरफ से नूर में होता है। जलालत और गुमराही के अंधेरों में भी अल्लाह तबारक व ताला उसे रास्ता दिखाता है। एक तरफ तो वो आदमी है जिसके दिल के अंदर हक बात को कबूल करने की सलाहियत होती है, और इसके अपोजिट, इसके पैरेलल दूसरा आदमी कौन होता है? फवैलुल्लिल्कासियतिकुलूबुहुम। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके दिल इतने सख्त होते हैं, फवैलुल्लिल्कासियतिकुलूबुहुम मिन जिक्रिल्लाह, उनके दिलों के अंदर सख्ती पाई जाती है। अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, दीन की बातें बताई जाती हैं, लेकिन उनके दिल पर कोई तब्दीली नहीं आती, उनके दिल सख्त हो जाते हैं। तो ये दिलों की सख्ती है।